guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. And if you are seeing this space a very first time, then hi, I'm Bhumi and I'm making videos on travel, fashion, beauty, lifestyle and everything that I'm interested in. टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग, दैट इज मिटन बॉक्स अनबॉक्सिंग। अब बॉक्स में से मैंने सारी चीजें निकाल के इस पाउच में रख दी है। ये पाउच मुझे इस मिटन बॉक्स में ही रिसीव हुआ था, वो मैं धीरे धीरे आपको स्टोरी बताऊंगी। आप देख सकते हो कि जो भी चीजें मुझे मिटन बॉक्स में रिसीव हुई थी वो सारी चीजें मैंने इस पाउच में निकाल के रख दी है। सो Without any further delay, let's get into the video. In a very random order, मैं इसमें से एक एक चीजें निकालती जाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे हाथ में जो आई है वो है, ये है सेबामेड से एंटी ड्राई रिवाइटलाइजिंग शैम्पू, एक्टिव ऑर्गेनिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, रिलीव स्कैल्प इरिटेशन, रीजनरेट्स ड्राई हेयर एंड हेल्दी शाइन। सो स्टाइलिंग के बाद मेरे बाल काफी ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, इसीलिए मैंने इसे परचेस किया था। ये फ्री सैंपल है, आप देख सकते हो कि इस पे लिखा है कि नॉट फॉर सेल। सो श्मिटन ऐप से मैंने सैंपल साइजेस का मंगवा लिया। अभी सेबामेड का ये मेरा फर्स्ट ट्रायल होगा, मैंने इससे पहले सेबामेड की कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं की है। सो चलिए देखते हैं कैसा है ये। ये है सोप एंड अल्कली फ्री फ्रेग्रेंस, तो बहुत ज्यादा मतलब स्पाइसी वाली फ्रेग्रेंस आ रही है, बिल्कुल तेज पत्ते में से नहीं आती, बिल्कुल वैसी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी से पता चलता है कि ये थोड़ा सा जेल फिनिश का जो होता है शैम्पू बिल्कुल वैसा है। अब ये हेयर वॉश के बाद मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आपको रिव्यू जानना हो इसके बारे में तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, तो मैं इसका शॉर्ट्स में या फिर डेडिकेटेड रिव्यू भी बना सकती हूँ। सो प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट अप वी हैव, दिस इज सो क्यूट। अब फेस मास्क मेरे लिए इतनी ज्यादा थेराप्यूटिक है, मुझे फेस मास्क अलग अलग ट्राई करना इतना ज्यादा पसंद है, सो इसलिए मैंने इसे परचेस किया था। ये है फ्रॉम इकाई, आप देख सकते हो कि इतनी क्यूट पैकेजिंग है इसकी, जो थीम इस पे दिखाई है ये बिल्कुल कोरियन केपॉप वाइब देता है मुझे। एंड इसका नाम भी है इकाई, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इकाई इज फ्रॉम लोटस ब्रांड। यस यस इट इज फ्रॉम लोटस, एंड इकाई का भी ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन होगा। अभी एक्चुअली पैक है तो इसका तो फर्स्ट इम्प्रेशन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इससे तुरंत यूज करना होगा खोलने के बाद। दिस इज एन ऑर्गेनिक चोको डिलाइट फेस पैक, एंड इस पे लिखा है प्रिजर्वेटिव फ्री एंड फॉर ऑल द स्किन टाइप, ऑल्सो ये क्रुएल्टी फ्री है एंड इको फ्रेंडली है। ये रिटेल करता है ₹89 में, तो ये शायद वन टाइम यूसेज ही होगा, मुझे नहीं लगता कि ये दो बार आप यूज कर सकते हो। ये शायद मुझे एक या दो ट्रायल पॉइंट पे पड़ा था। नेक्स्ट अप वी हैव, दिस इज फ्रॉम प्लम एंड द कैमोमाइल व्हाइट टी ग्लो गेट अ फेस मास्क, और ये कुछ ऐसी सी छोटू पैकेजिंग में आता है, एंड ये आपको एक लीड मिल जाती है, एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसे ऑलरेडी काफी ज्यादा यूज कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, व्हाइट कलर का जो क्ले मास्क आता है बिल्कुल वैसी है। एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस आपका डेफिनेटली, जैसा इसका नाम है ग्लो, तो आपको ये डेफिनेटली ग्लो देगा। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब ये बिल्कुल मुझे एक्ने नहीं देता। मैं इसे अप्लाई करने के बाद रियली हमारी स्किन ग्लो करने लगती है, सो दिस इज रियली गुड। और अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप डेफिनेटली श्मिटन ऐप से ये छोटा सा सैंपल लेके ही ट्राई करना पहले, उसके बाद ही फुल साइज परचेज करना। ये छोटू सा डब्बा रिटेल करता है कुछ 125 में, एंड ये मुझे शायद दो या तीन ट्रायल पॉइंट पे मुझे मिला था। सब भी है ऑल्सो फ्रॉम द प्लम, एंड ये है हेयर मास्क। ये इसका हेयर मास्क भी, ये मेरी सेकेंड परचेज है, ये हेयर मास्क भी मैंने इसका लिया हुआ है पहले। अभी क्या था कि प्लम का ये पाउच और प्लम की दो तीन प्रोडक्ट्स जो इसमें है वो सब गिफ्ट में तब ऑफर में थी, इसीलिए एक्चुअली मुझे ये पाउच चाहिए था, तो मैंने उस पर क्लिक किया और पाउच के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स थी वो सारी मुझे मिली। सो ये सब मुझे गिफ्ट में मिला है, और ये भी बहुत ज्यादा क्यूट पैकेजिंग है। ये हेयर मास्क, इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मिक्स है, आप देख सकते हो। दिस इज द पैकेजिंग, ओपन कर लेती हूँ मैं, और ऐसी सी कुछ इसकी क्रीम कंसिस्टेंसी है, लाइक दिस।
फ्रेग्रेंस बहुत 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 ज्यादा अच्छी है, वेरी मच क्रीमी एंड स्मूद, और बहुत ज्यादा लाइक आप बोल सकते हो कि मलाई वाली जो फ्रेग्रेंस होती है ना, बिल्कुल वैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है। और ये हेयर मास्क है तो डेफिनेटली आप इसे आधे घंटे तक भी लगा के रख सकते हो, मैं भी वैसे ही लगाती हूँ इसे, एंड ये डेफिनेटली बालों को स्मूथ करता है, पर ये उतना ज्यादा लाइक वाव मुझे नहीं लगता, आपके बालों को डेफिनेटली ये स्मूथ तो कर देगा। ये छोटू सी डिब्बे रिटेल करती है ₹85 में, पर ये डेफिनेटली 2 या 3 वॉश तक आप अप्लाई कर सकते हो, सो 85 इज वर्थ। नेक्स्ट अप वी हैव, दिस इज फ्रॉम द जस्ट हर्ब्स, ये है एप्रिकॉट स्पार्कल स्किन रेडियंस स्क्रब, ऐसी कुछ प्लास्टिक सी पैकेजिंग है, एंड ये ऐसी कैप के साथ आता है, और सो एक और कैप आपको मिल जाती है। फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो फ्रेग्रेंस बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत ज्यादा माइल्ड, एंड ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी है इसकी। स्क्रब के पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं, बिल्कुल हार्श नहीं लगते, सो इसे मैं डेफिनेटली यूज करने के बाद इसका रिव्यू मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, या फिर मैं शॉर्ट्स बना दूंगी इसका। नेक्स्ट अप वी हैव, ये है सेज से, और सेज का है ये फेस सीरम, ये इस पे लिखा है विटामिन सी 20%, विटामिन ई एंड गोजी बेरी, ऐसी कुछ रोलर फॉर्म में आ जाता है। स्मेल की बात करें तो फ्रूटी स्मेल है, बिल्कुल जो आमले की जो फ्रेग्रेंस होती है, खट्टी सी सिट्रस सी जो स्मेल होती है, बिल्कुल वैसी है, एंड कंसिस्टेंसी लाइट वेट है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, एब्जॉर्ब भी हो जाता है, पर मॉइस्चराइजेशन यूज करने के बाद मैं ज्यादा बता सकती हूँ, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, सो एक ही बार में एकदम ज्यादा मॉइस्चर मुझे यहाँ पे फील नहीं हो रहा। ये रिटेल करती है ₹399 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रोडक्ट है वो है डॉट एंड की से, एंड दिस इज द फेस वॉश। डॉट एंड की से मैंने विटामिन सी और उसकी नाइट जेल मैंने ट्राई की हुई है, एंड द फेस वॉश आई एम ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और ये कितने में रिटेल करता है लिखा नहीं है, मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे यहाँ मेंशन कर दूंगी। कुछ ऐसी ग्रीन ट्यूब पैकेजिंग में आता है विद द प्लास्टिक कैप, एंड आप देख सकते हो ये बंद है, कैप स्पिल हो रहा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो कि ऐसी जेल कंसिस्टेंसी है इसकी। और फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये बिल्कुल वो जो सीका वाला उसका जो नाइट जेल की जो फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है। सीका की पूरी जो रेंज है उन सब में से जो स्मेल आती है बिल्कुल मिंट वाली, मिट्टी, जो मैंने पहले स्मिटन बॉक्स में आपको एक्सप्लेन किया था, ये बिल्कुल वैसी फ्रेग्रेंस है और बहुत ज्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो फोम भी बनने लगा है, मुझे लगता है कि मुझे हाथ धोने जाना पड़ेगा। फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी। मूविंग ऑन टू द लास्ट प्रोडक्ट, एंड ये है बेला वीटा से, दिस इज अंडर आई लिफ्ट क्रीम, ये जेल है, और ये डिटेल करती है ₹99 की, सो ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अनबॉक्सिंग करके आप देख लेते हैं, हम ऐसा एक कार्डबोर्ड बॉक्स आता है, उसके अंदर मुझे लगता है कि ऐसी सी बॉटल मुझे रिसीव हुई है, ऐसा ये ऑलरेडी थोड़ा सा ओपन था, सो आई डोंट नो कि ये ऐसी ही आती है या फिर मेरे साथ ही ये ऐसी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुई है। ऐसी एक दूसरी लिड भी है अंदर, लेट्स सी, और देख सकते हो कि काफी ज्यादा कम प्रोडक्ट है, मतलब आई डोंट नो कितना ग्राम लिखा है इस पे, इतनी ज्यादा कम प्रोडक्ट क्यों है। आप देख सकते हो सिर्फ 5 ग्राम्स प्रोडक्ट है इसमें, ऐसी कुछ ग्रीन कलर का जो क्रीम है, एंड कंसिस्टेंसी देख लेते हैं इसकी, जेल कंसिस्टेंसी है, और खुशबू बिल्कुल ग्रीन एप्पल वाली है, मतलब खुशबू इसकी काफी ज्यादा अजीब है, मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई इसकी फ्रेग्रेंस, बट फ्रेग्रेंस का क्या ही काम अंडर आई क्रीम में, आई डोंट नो, पर इसकी जो भी फ्रेग्रेंस है वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। सो लेट्स सी, एंड द लास्ट इज दिस पाउच, ये पाउच मुझे गिफ्ट में मिला है एज अ फ्री गिफ्ट, और ₹235 में इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको ट्राई करने मिलती है, ऑल्सो ये पाउच भी मुझे उसी में फ्री मिला है,
सो ये पाउच बहुत ज्यादा स्टर्डी है, मतलब बहुत ज्यादा, मटेरियल बिल्कुल चीप या फ्लिम्सी नहीं है, बहुत ज्यादा स्टर्डी है। ऐसी गोल्ड चेन है एंड आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा अच्छी स्पेस है। इस पे लिखा है श्मिटन, सो श्मिटन का ये खुद का प्रोडक्ट है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मतलब इतना कुछ खास नहीं था क्योंकि इनमें सारी फर्स्ट इम्प्रेशन थी और फर्स्ट इम्प्रेशन में ये सारी चीजें ऐसी थी कि फर्स्ट इम्प्रेशन इसकी शेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सारी चीजें यूज करने लायक है। सिर्फ मैं आपको फ्रेग्रेंस की फर्स्ट इम्प्रेशन बता पाई। सो डेफिनेटली डू लेट मी नो कि अगर आपको इन डेप्थ इसके सारे रिव्यूज चाहिए तो मैं आपके लिए वो वाला वीडियो भी बनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक छोटा सा लाइक तो बनता है एंड प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल बटन पे भी हिट कर देना ताकि अगली बार और कोई भी वीडियो मैं पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू सून, बाय।